तो दोस्तों NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की तरफ से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है इस क्वार्टर में। 1.26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड आपको देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 22 अगस्त का रखा गया है। 22 तारीख नवा महीना 2023 कंपनी की तरफ से रखा गया है। तो याद रखिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 22 सितंबर है शायद, नवा महीना सितंबर है। तो रिकॉर्ड डेट 22/9/2023 का रखा गया है 1.26 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड के लिए। ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि 1.26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे कैसे सकती है। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। नंबर देखते हैं, उसके बाद आप भी बोलेंगे कि कैसे कंपनी ने दिया है डिविडेंड, ये समझ के बाहर है। डाटा लाख में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6,267 करोड़ के आसपास, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 6,454 करोड़, अभी देखें तो गिर के 5,051 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 22% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 6,771 करोड़, पिछले साल 6,312 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,251 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, पिछले साल 125 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी 121 करोड़ के लॉस में है। तो ये इसलिए मैं आपको सरप्राइज बोला था कि डिविडेंड कंपनी को इस क्वार्टर में नहीं देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि 1.23 रुपये 26 पैसे का जो कंपनी डिविडेंड दी है और कंपनी लॉस में है, तो यहाँ पे डिविडेंड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इन्वेस्टर को खुश करके क्या फ़ायदा है जब अपने बिजनेस को ही आप लॉस में लेके जा रहे हैं। तो कंपनी को लॉस के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए था कि कंपनी लॉस में है तो इस क्वार्टर में डिविडेंड अवॉइड करके अगले क्वार्टर में दे सकती थी। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 4.81 माइनस का, पिछले साल 2.56, अभी देखें तो 2.48 माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर, हालांकि सबसे लास्ट में ये फर्टिलाइजर्स कंपनी के नंबर आ रहे हैं और सारे फर्टिलाइजर कंपनी के नंबर ऑन एन एवरेज गिरावट वाले ही देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर क्रिएट होगा। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी, 2-3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।